मैं टेंशन में आ गया, मैं बोला इसका वायरिंग इतना है क्या भाई? विंटेज गाड़ियां जितने भी है लोग धीरे धीरे खरीद रहे हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं बॉबी देखने के लिए एंड ये है पिछले वाले व्लॉग का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट। एंड अभी हम जा रहे हैं राजदूत बॉबी देखने के लिए। दीप भाई, छोटू भाई है अपने साथ, बाद में रिवील होगा कि किसने लिया है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, फोटो खींच के मैं इधर प्रिंट निकाल लेता हूं। हां हो जाएगा ये क्या? हां सर अपन नहीं, हेलो वो मिल जाएगा। तू आ जाए, फोन की बफिंग वफिंग करो, कलर करो तो ही अच्छा होगा। नहीं नहीं पूरा रिस्टोर करेंगे इसको। आरडी टाइप ग्रिप है इसके, आरडी के जैसे। बबल सॉरी बलून, क्या उसको बोलते, बलून बलून रहता ना इसको। मैं टेंशन में आ गया, मैं बोला इसका वायरिंग इतना है क्या हाँ 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 डबल धमाका बैटरी वैटरी रहता है क्या इसमें? नहीं नहीं ना, ओनली मैग्नेट पावर। ओनली मैग्नेट पावर पॉइंट है। गाड़ी लेकिन चालू होता ना इतना अच्छा करता, फट 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 फुटी। कितना सीसी है ये? 175 है। नहीं का ये कम रहेगा, ये ब्लॉक का कम रहेगा। 175 है तीन गियर के साथ। ये जावा जावा जैसा लुक दिख रहा है ना, लगाएंगे इसको। हां वो गाओ ये गाड़ी का इंजन ला दिया। और वो जो राजदूत 175 आता था ना, सेम इंजन बराबर ना, ये सेम है। ऐसे बड़ा वाला ब्लॉक बैठता डायरेक्ट, नहीं बढ़ता है। ये मेरा जो पहला राजदूत था ना, बॉबी राजदूत, उससे बड़ा वाला था। वो गांव में ले जाके मैं भंगल बेच के आया। अरे मैंने गांव में भंगल बेचा, बोल क्या बोल रहा हूँ, बंद हो गया गाड़ी और छोड़ दिया। ये जावा जैसा लुक दिखता है ना इसका, छोटा सा जावा का इंजन कैसा रहता है देखा ना, लुक लुक प्लेटिंग करा दो। प्लेटिंग और पेंटिंग पेंटिंग भी ठीक ही है, ऐसा क्या खराब नहीं। हम लोग किया था ये इंजन, इंजन को हम लोग मारा था, डल हो गया, बहुत टाइम हो गया बाकी। और राइडर प्रोवाइडर इसे रबर धुआ कर दे। हां मैं करता हूं। हां क्या दो साइड का, एक साइड का है नहीं, दो साइड करना पड़ेगा। दो साइड का ना, हां ठीक है, रबर धुआ करना पड़ेगा। भाई साहब मीटर भी खराब है क्या, बना लेंगे सर बना दो स्कीम मार कर। चल जाओ। हां फिर भी छोटू भाई बहुत अच्छा कंडीशन में गाड़ी, मतलब हाँ नहीं मैं सोचा था कुछ ऐसा टाइप में रहेगा, कुछ मैं सोचा ऐसे कुछ टाइप में रहे, फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत बहुत अच्छा कंडीशन में। मैंने खुद पहली बार देखा है। हाँ क्या अभी अपने साथ में? हाँ चलो अच्छी बात है। मैं क्या, मैं बोल पर बुद्धि क्या, मतलब मैं देखा ली करके, मैं बोला तुमको भी देखा, मतलब मैं देखा नहीं, मैं देखा था बोला सौदेबाजी क्या बोलते हैं, तुम जा रहे उधर से निकलता है ना। तो गाइस अभी जो आप लोगों ने देखा था वो था राजदूत बॉबी। तो ये गाड़ी जो है अपने जुने जुने फिल्म जो थे जैकी श्रॉफ टाइम के, उस सब फिल्म में ये सब गाड़ी यूज़ हुआ करते थे, बहुत ही फेमस था वो टाइम पे ये गाड़ी। एंड बाद में धीरे धीरे बंद हो गया इसका क्रेज़, और अभी भी सीन ऐसा है भाई, अपना लाइट ठीक से दिख नहीं रहा है। हाँ और अभी ऐसा है कि भाई विंटेज गाड़ियां जितने भी है लोग धीरे धीरे खरीद रहे हैं, रेस्टोर कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि गाड़ी मिलता है तो लेके रख लेने का। एक टाइम पे लोगों ने मेरे सामने जेड बेचा है
और अभी वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं, जैसे छोटू भाई हो गए, उन्होंने जेड बेचा, रिग्रेट किया उनका ब्लू वाला कि अभी भी अगर होता तो अच्छा रहता। अरे यार मैं बार बार पेट्रोल का क्यों भूल जाता इसकी। फिर अपने यशराज भाई भी थे, उन्होंने भी जेड बेच दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो वो भी उनके हाथ से चला गया। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा इधर से जाना चाहिए या इधर से, चलो इधर से डाल देते। ऐसा ही होता है कि मतलब लोग गाड़ी बेच देते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, उनको ऐसा लगता है कि अरे यार छोड़ो क्या अभी रखने का, इसको बाद में ले लेंगे, फिर बाद में कभी आता है फिर ले नहीं पाते अपन गाड़ी। सो ये बॉबी भी एक टाइप का विंटेज गाड़ी ही है जो कि रैलीज वगैरह में कभी कभी आता है बॉम्बे में, एंड जुने जुने जितने भी एंथुसियास्ट लोग हैं ना उनको ये गाड़ी पता है। अभी आजकल के जो नए चाव वाले ना, जो नए नए अभी सिर्फ आरएक्स में घुसे, उनको आइडिया नहीं है सबका, उनको बेसिक एक नॉलेज है, हाँ आरएक्स होता है, 135 होता है, 5 स्पीड होता है, जेड होता है, बाकी कुछ उन लोगों को आइडिया नहीं है। तो उन लोगों को पता नहीं है कि भाई बॉबी जैसा क्या चीज़ होता है। बॉबी है, जावा है, एसडी है, एसडी में भी अलग अलग आता है, CL2 और क्या 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 क्या, रोड किंग, बहुत कुछ है। तो जो प्रॉपर एंथुसियास्ट लोग हैं उनको सब पता है कि कौन सा मॉडल थे ओरिजिनल। सुजुकी के लोगों को आइडिया नहीं है, सुजुकी जैसा अपने जैसा लोगों को शोगन, शाओलिन, सामुराई, ये सब आइडिया मालूम है। शोगन कम्स एट द टॉप, शाओलिन इसके नीचे 5 स्पीड वाला, फिर अपना सामुराई हो गया। तो बॉबी भी एक कैटेगरी का मोटरसाइकिल है जो कि विंटेज कलेक्शन वाला गाड़ी है, तो लेके रख देने का भाई, बाद में कभी उसका डिमांड बढ़ जाए कुछ नहीं बोल सकते। तो आज हम लोग देखने गए थे, इसको हम लोग रिवील करेंगे बाद में कि ये गाड़ी लिया किसने। एंड अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए गाइस, क्योंकि वहाँ पे मेरा हमेशा सबसे लेटेस्ट अपडेट्स रहता है। तो वही रीज़न है गाइस कि अभी के टाइम में मैं भी खुद हो गया है या फिर मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, यामा का सामान वगैरह भी सब लोग जमा करके रख रहे हैं, जो हो सकता है जिसके पास वो सब जमा कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में धीरे धीरे एक टाइम के बाद में ना आप लोग को खाली आफ्टर मार्केट सामान मिलेगा या तो यूज सामान मिलेगा। तो अभी आपके पास जितना टाइम है, जितना सोर्सेस है, जितना पैसा है, पार्ट्स वगैरह जमा करके रख लो, क्योंकि एक टाइम आएगा सिर्फ आफ्टर मार्केट ही घूमता रहेगा, एंड आफ्टर मार्केट भी एक सर्टन पॉइंट के बाद में बंद हो जाएगा। फिर तभी लोगों का मारा मारी होएगा, छीना झपटी होएगा कि पार्ट्स दे दो भाई, पार्ट्स दे दो। पैसा लोग फेंकने के लिए रेडी रहेंगे लेकिन लोग पार्ट्स फेंकने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। तो ये तो सिर्फ वो कोई बात पार्ट्स की, गाड़ी तो भाई, गाड़ी का तो भाई भूल ही जाओ, जो मिल सकता है भाई लेके रख दो। वही रीज़न की वजह से मैंने जेड में मैंने इन्वेस्ट करने का सोचा, नहीं तो मेरा अगर बस चलता तो मैं डायरेक्टली KTM RC बेच के थोड़ा सा फंड्स जमा करके मैं R3 लेने का मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने वो प्लान डिच किया। मैं बोला नहीं, अभी लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये जो KTM हो गया या फिर तुम्हारा लेटेस्ट जितने भी सब सुपर बाइक्स हो गए या फिर आजकल के मॉडर्न बाइक्स हो गए, सुपर बाइक्स नहीं नॉर्मल बाइक्स, आपका R3, KTMs हो गए, 390s या फिर Aprilia, ये सब जो अभी नया नया आ रहे हैं, ये सब डिप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं। डिप्रिशिएट बोलेगा तो जिसका दाम हर दिन कम होता है, लेकिन जो सब अपने विंटेज बाइक्स है जैसे यामा हो गया, RDs, RXZ, RX सीरीज, तो ये सब बढ़ने वाले एसेट्स से, ये सब अप्रिशिएटिंग, ये सब ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका रेट हमेशा बढ़ेगा और बढ़ते ही रहेगा। सेम गोज फॉर द पार्ट्स एज वेल, उसके जितने भी सब यामा के पार्ट्स रहते यूज्ड वाले। अभी आप लोग सीधा हिसाब जो सब ब्लॉक्स है अभी के टाइम में मिल रहे मार्केट में RX सीरीज़ का, लोग नया प्रिफर नहीं करते, नया तो मिल जाता है 6,000-6,500 रुपये में, लोग बोलते हैं इम्पोर्ट वाला है ये वो ऐसा, फिर वो लोग कभी बोलेंगे नहीं कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल जैसा है बोलेंगे वो लोग, कभी ओरिजिनल का नाम नहीं लेंगे वो लोग, क्योंकि उनको भी मालूम है कि कस्टमर एक बार इसको लगाएगा तो पछताएगा एंड उसको वो परफॉर्मेंस लैक फील होएगा, तो उनको वो सब बोल के फंसना नहीं हो, थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में थोड़ा सा वो लोग बोलेंगे एंड आपको सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जबकि रियलिटी यही है कि भाई यूज्ड खरीदो एंड उसको रिबोर करके बड़ा पिस्टन डाल के आप लोग एक साइज़ ऊपर, दो साइज़ ऊपर का चला सकते हैं, 25 नंबर 50 नंबर, लेकिन एक स्टैंडर्ड आफ्टर मार्केट ब्लॉक खरीदना इज़ अ स्टूपिड थिंग। जो समझदार है उसको मालूम है कि मैं क्या चीज़ के बारे में बता रहा है।
मैं आप लोग को इतना नॉलेज दे रहा है कि आप लोग का लॉस ना हो आगे जाके, बाकी आप लोगों की मर्जी, आपका पैसा है, आपको जहाँ पे इन्वेस्ट करना है आप लोग कर सकते, बाद में पछताएंगे तो हमको मत बोलिएगा। सो या गाइस, दिस वाज सम ज्ञान बाय स्पीडी लियो। आई होप आप लोग को बॉबी देखने को भी पसंद आया रहेगा, एंड होपफुली अपने ग्रुप में आने वाला है गाड़ी, बहुत जल्दी रिवील भी होएगा। आ गया तो उसका रेस्टोरेशन वगैरह जो भी अपन शूट करेंगे, एंड मैं आप लोग को सब कुछ बताएगा कि वो गाड़ी में कैसा क्या क्या है। ऑनेस्टली मेरे को कुछ आइडिया नहीं हो गाड़ी के बारे में, मेरे को भी सीखने मिलेगा, एंड आप लोगों को मैं बताएगा कि मैं क्या क्या सीखा उससे। सो या गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, एंड ऑलवेज वेयर दैट हेलमेट।